जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका पहलवान वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों मेरे कमेंट्स में भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और ये मैं भी कई दिनों से बनाना चाह रहा था इसके ऊपर वीडियो कि मुद्दल जो आप लेते कई सारे मेरे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा लेना, क्या करना, कौन सी लकड़ी करना और उसको मेंटेन कैसा करना। तो उन सभी के लिए ये वीडियो आज और उन सभी के लोगों का जवाब दूंगा मैं। और साथ ही साथ हमारे तेलंगाना हैदराबाद में हमारे भाई रहते कारवान में धर्मेश सिंह बोलकर, उन्होंने उनके बॉडी को फिट रखे लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बंद जब लॉकडाउन था तब उनका बॉडी उन्होंने मेंटेन कैसा करे, उन्होंने भी अपना वीडियो आगे चल के शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। दोस्तों याद रखो, कभी भी मुद्गल के लिए नीम की लकड़ी या जंगली बबुल की लकड़ी सबसे बेस्ट रहती। नीम के अंदर भी लकड़ी सबसे वो बेस्ट रहती थी, झाड़ जब पुराना हो जाता उसके अंदर बीच में काली धार आती वो सबसे अच्छा। और उसके बाद नीम की लकड़ी लेना है, उससे आपको मुद्गल बनाना है। और आप लोगों का सवाल यह था कि उसका वेट कितना रहना, कितने केजीज का लेना। तो दोस्तों उसमें केजीज बल के नहीं आता, लकड़ी आप जब जाके कटाते टाल में उसका वेट अलग रहता, आप लकड़ी लेके बनाने के बाद में उसका वेट अलग रहता और उसको धूप में सुखाया जाता, धूप में सुखाने से उसका वेट कम हो जाता। वेट कम होने के बाद अगर आप चाह रहे तो उसको लगाना ऑयल, कौन सा भी ऑयल लगा सकते आप उसको, लेकिन सबसे अच्छा नीम ऑयल। अगर नीम ऑयल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा 100 ग्राम नीम का तेल ले लेके उसको उसके अंदर थोड़ी सी नीम की पत्ती डाल के उसको अच्छा उबाला लें, जब तक पकाइए जब तक नीम का पत्ता हरा उसका रंग छोड़ने देता। उसके बाद वो ऑयल लेकर आप उसको उसकी जहाँ पर पकड़ते हैं आप मुट्ठी वहाँ पर नहीं लगाना है, वहाँ पर लगाए तो स्लिप होगा। डेली थोड़ा थोड़ा पहले उन्हें सूखने के लिए हमसे आपको 4 से 5 महीने हो जाते हैं उसके अंदर का पूरा पानी निकलने के बाद। पानी निकलने के बाद उसको ऑयल पिलाइए, ऑयल कैसे उसको आराम से लगाते जाइए डेली थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर मुट्ठी रहती उसको नहीं लगाना, वहाँ पर लगाए तो आपको घुमाने को परेशानी होती है। और इसमें फिट आते दोस्तों, इसमें केसेस वगैरह बोलकर नहीं आता, तो आराम से आप उसको तेल लगाते जाइए। और दोस्त से एक बात याद रखिए, वो भले ही 5 किलो का वेट का मुद्गल रहने दो, जब आप उसको फिराते तो हवा में से उन्हें जब वेट गेन करके लेके निकलता वो 5 किलो का जाके 15 किलो हो जाता उसका वेट। भले ही आप उठाने में उन्हें 4 से 5 किलो या 10 किलो रहने दो, जब उसको घुमाएंगे आप उसका 3 से 4 गुना वेट बढ़ जाएगा। और जैसा जैसा जितना घुमाते जाएंगे आपके हाथ के मसल्स थकते जाएंगे, वो 5 किलो का मुद्गल या गधा आगे चल के आपको 10 गुना हो जाएगा, 50 किलो का हो जाएगा। ट्राई करिए आप एक बार, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरा कौन सा भाई मुद्गल को ऑयल लगा कर उसका वेट बढ़ा और उसका एक्सपीरियंस कैसा था वेट बढ़ने के बाद, ऑयल लगाने के बाद में। और एक बात दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी मेरे तेलंगाना के भाइयों के लिए तेलुगु में चैनल ओपन करने वाला हूँ, तो उसको भी आप इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। तो ये दोस्तों देखते हैं अपने धर्मेश सिंह का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश सिंह। मेरे भाई बलबीर सिंह के मोटिवेशन से पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल के माध्यम से इस लॉकडाउन में होम वर्कआउट करते हुए एक छोटा सा वीडियो